में एक सुंदर प्रवचन करने वाले आए, देह से भी सुंदर थे, विद्वान भी थे, शहर के बड़े बड़े लोग वहाँ आने लगे। एक मिलिट्री का अफसर आया, स्वामी जी से कहा कि आप हमारे यहाँ एक दिन निमंत्रण स्वीकार करिए। महात्मा जी बोले कि हम एक दिन आएंगे तुम्हारे यहाँ। मिलिट्री वाला ऑफिसर अपनी जवान बेटी को कह गया, एक महात्मा जी आएंगे, तुम उनका स्वागत करना, सेवा करना। मिलिट्री वाले ऑफिसर की ड्यूटी लग गई, वो कहीं बाहर चला गया। महात्मा जी उसके घर पर आए, लड़की बहुत सेवा की, खिलाया पिलाया, कहा कि विश्राम करिए। उसने मुख्य दरवाजा के जो गेट था उसको बाहर से बंद कर दिया, गेट को बंद कर दिया। अब भीतर का कोई भी आदमी बाहर नहीं जा सकता था, आ करके उनके साथ में खराब भाव से लेटना चाहिए। महात्मा जी ने मना किया कि हम महात्मा हैं, हमारा काम है अपने भी बचना, दूसरे को भी बचाना, अपने धर्म की रक्षा करना, दूसरे के धर्म की रक्षा करना, तुम हमारे साथ न सो, साथ न लेटो। लेकिन जवान लड़की जो थी काम भाव में थी, वो नहीं मानी। महात्मा जी उसको झटका दे करके बाहर गए तो देख रहे कि ताला बंद है। अब वो चहरदीवारी को कैसे कूदें, ताला बंद, सोचे कि अब क्या करें, अब हम समझाने से नहीं समझती है। शौचालय में गए, कुछ महिला निकला तो उसको अपने कपड़े में लगा लिए, देह में लगा लिए, मक्खियाँ लगने लगी। अब वो जहाँ बैठते थे वहाँ पर महिला लग जाता था। उस जवान लड़की को भी घृणा हो गई, कैसा ही साधु है, देखने में कितना सुंदर है, प्रवचन कितना बढ़िया करता है, और ये जो है महिला लगा लिया, देह में कपड़े में लगा लिया। वो कही कि क्या तुम महात्मा हो के क्या कर लिया। तो महात्मा जी बोले कि हम लोग पागल हैं, हम लोग की बुद्धि वैसी अच्छी नहीं है साजबाज से ठाट बाट से रहने की। लड़की ने दरवाज़ा को खोल दिया, गेट को खोल दिया, ताला को खोल दिया, महात्मा जी बाहर निकल गए। उनका पढ़ना लिखना काम नहीं किया, महिला जो था वही रक्षा किया। वस्तुओं में दोष दृष्टि करोगे, विषय भोगों में दोष दृष्टि करोगे, तब तो बचोगे, और संसार के भोगों में ये अच्छा है ऐसी बुद्धि करोगे तो फंस जाओगे। महिला को देख करके लड़की को भी घृणा हो गई, इसलिए विषयों में दोष दृष्टि करो। तुम हलवा खा जाओगे, रसगुल्ला खा जाओगे, दूध को पी जाओगे, लेकिन तुम्हारे सामने कोई उसमें जहर डाल दे तो कहोगे कि आग लगे तुम्हारे रसगुल्ला में, हलवा में और दूध में, हम नहीं खाएंगे। जो विषयों में दोष दृष्टि करेगा वो तो बचेगा, और जो उसमें अच्छा है ऐसी बुद्धि करेगा वो वासना का शिकार होगा, वह फंस जाएगा।